हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फार्मेसी के अंदर और बीएससी के अंदर, ठीक है, तो आज हम एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड और एंट्रेंस टेस्ट और उसका कंडक्ट करवाने का मोड क्या रहेगा उसके बारे में आपको एक एक करके क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करवाएगी, कौन से मोड में कंडक्ट करवाएगी और कब तक एडमिशन फॉर्म निकलेंगे। तो सबसे पहले आपको जैसे पता है पीयू सीईटी यूजी आफ्टर ट्वेल्थ क्लास हम दे सकते हैं। ये एडमिशन यूनिवर्सिटी के अंदर लेने के लिए और यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए टेस्ट होता है। उसके बाद आज हम जनरली बीएससी और बी फार्मेसी के ऊपर ही बात करेंगे, कोर्सेज के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट करवाती है, कोई बाहर से बॉडी नहीं आती इसको एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाने। ये पर्टिकुलर हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा पीयू सीईटी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये 2022-23 के लिए हम वीडियो बना रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है। और ये जो सिलेबस आएगा इसमें एंट्रेंस टेस्ट में, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे दूं तो ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस, जैसे हम बीएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो इसमें ट्वेल्थ से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेवन ट्वेल्थ में जो आपने सिलेबस पढ़ा है एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सीईटी के अंदर भी। उसके बाद एडमिशन फॉर्म कब तक ओपन होंगे, यह हमारे अंदर सबसे बड़ा आजकल असमंजस है कि कब तक ओपन होंगे। अभी यही नहीं कुछ मतलब यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला, तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 15 अप्रैल तक हमने देखा था कि फॉर्म ओपन हो चुके थे, पर इस समय डिले हो रहा है। अब आपको एक एक चीज बताएंगे कि क्यों डिले हो रहा है इन फॉर्म को लेकर। तो जैसे कि रीजन फॉर डिले, पीयू सीईटी रीजन फॉर डिले, तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं कि ट्वेल्थ क्लास के जो एग्जाम है वो लेट हो रहे हैं आजकल। तो अब कल या परसों से जैसे कि एग्जाम आपको पता है शुरू हुए थे, तो अब जैसे एग्जाम खत्म होंगे वैसे ही यूनिवर्सिटी या एग्जाम के दौरान ही यूनिवर्सिटी कोई नोटिफिकेशन निकालेगा इस फॉर्म को रिलेटेड कि कब तक एडमिशन फॉर्म ओपन होंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सेम भी डिले हो रहे हैं कोरोना वायरस के करके। जैसे कि आपको पिछले साल देख सकते हैं कि पिछले साल 2-3 सालों से हम ऐसे देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा था, कभी कम हो रहा था, बढ़ रहा था, तो इसलिए ये मतलब स्टेबल नहीं था कैसे हम यूनिवर्सिटी को चलाएं या जैसे भी था। तो यूनिवर्सिटी ने अभी ओपन तो हो चुकी है ऑफलाइन, लेकिन अभी भी कुछ हद तक मतलब तो जैसे कि आपको बताएं कि रीजन क्यों हो रहा है डिले हमारे ये फॉर्म्स। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम लेट हो रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहला कारण तो ये है डिले होने का। दूसरा कारण है यूनिवर्सिटी कॉलेज के सेम लेट हो रहे हैं। तीसरा कारण है कोरोना वायरस केसेस इंक्रीज हो रहे हैं चंडीगढ़ के आसपास भी और चंडीगढ़ में, और पीयू अथॉरिटी चंडीगढ़ अभी तक कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाई है कि कब तक एडमिशन फॉर्म निकालेंगे, या कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं हमें पता। तो मोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा कि कैसे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, अभी तक इसके ऊपर भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर आपको हम टेंटेटिव डेट्स दें एडमिशन फॉर्म ओपन होने की, तो सबसे पहला है एडमिशन फॉर्म कब तक ओपन हो सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ मई तक। ये इन ड्यूरिंग एग्जाम जो ट्वेल्थ क्लास के चल रहे हैं उसके ड्यूरिंग भी ओपन हो सकते हैं या आफ्टर द एग्जाम भी ओपन हो सकते हैं। जैसे कि आपको हमने एक टेंटेटिव डेट दे दी कि फर्स्ट वीक ऑफ मई। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कब तक होगा, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा जून मंथ में। जून मंथ में आपके मिड में एंट्रेंस एग्जाम या लास्ट में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कब तक होगा, सेकेंड वीक ऑफ मई, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक आपका ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स इन वेरियस कोर्सेज, मोड ऑफ एडमिशन, कट ऑफ क्या रही है पिछले साल की और इस साल की क्या रह सकती है, इसके बारे में हम आपको एक एक कर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप हमें जेबी स्टेशन पर डीएम कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें वीडियो में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।